हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट इंट्री रूट के बारे में बात नहीं किए थे, तो आज हम लोग डायरेक्ट इंट्री रूट के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है। देखिए, जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है, जो अभी करंट जो चल रहा है, उसको हम लोग एग्जिस्टिंग सिलेबस ही बोलते हैं, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट भी इसका एग्जिस्टिंग करंट मतलब करंट कोर्स ही बोलता है। तो जो आप कॉमर्स अगर आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, बीकॉम आपका कंप्लीट हो गया है, मतलब जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, देख रहे हैं, तो उस केस में वो क्या, अगर आप कॉमर्स से हो तो 55% आपका नंबर होना चाहिए, नहीं तो अदर देन कॉमर्स हो तो 60% नंबर होना चाहिए, जो कि करंट में भी है और जो प्रपोज आने वाला है उसमें भी है। ठीक है, ये तो हो गया कि जो कंप्लीटेड है, जो मान लीजिए कॉमर्स से कंप्लीट कर गया 55% या अदर साइंस या आर्ट्स से 60% अबव से कंप्लीट कर गया, तो उसके लिए है। अब हम लोग बात ये करेंगे कि जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है, जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट है, उनको लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, अगर फाइनल ईयर में रजिस्ट्रेशन है, अगर फाइनल ईयर में अगर आप ऑलरेडी हैं, तो वो क्या करना पड़ेगा, आप जो है प्रोविजनल बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविजनल बेसिस पर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। एक बात याद रखिएगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और एग्जाम के पीरियड में कम से कम 8 मंथ का गैप होना चाहिए, अगर आपका 8 मंथ का गैप नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अभी जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसके एग्जिस्टिंग सिलेबस का आर्टिकल का पीरियड 3 ईयर्स है, जो कि अभी अब मैं आपको बता दूं, जो 1 जुलाई 2023 जो अभी 10 दिन के बाद आने वाला है, ठीक है, उससे वहां तक अगर 1 जुलाई या उससे पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो आपका ओल्ड रजिस्ट्रेशन ही माना जाएगा, ओल्ड में ही आपका 3 साल का आर्टिकल शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 जुलाई, जो कि एक्सपेक्टेड है, मेरे को ज्यादा चांसेस लग रहा है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा न्यू सिलेबस अपडेटेड। आप बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, एक देखिए आईसीए का ही नोटिफिकेशन जो कल आया था, मैं वो बताऊं, 19 जून, मतलब इसमें आईसीए क्या क्या कौन कौन सा वर्ड यूज करते बता देखो, अनाउंसमेंट फॉर कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन दिसंबर 2023 फाउंडेशन एग्जाम अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देख रहे हैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्कीम, मतलब अब आप जो ऐसी है जो है ना, आप थोड़ा थोड़ा वर्ड यूज करना शुरू कर दिया है, मतलब ज्यादा चांसेस है कि मई 24 से जो आपका है, चांसेस क्या 100% ही है कि मई 24 से न्यू सिलेबस आने वाला है, और एक्सपेक्टेड जो आपका ये है नोटिफिकेशन डेट जो है वो 1 जुलाई जो है वो होना, तो अभी भी सुने हैं, अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनका अनाउंसमेंट करेगा, कि लास्ट टाइम भी आपका सिलेबस आया था तो उस समय भी अनाउंसमेंट हुआ था, और अभी जो सिलेबस आने वाला है तो इस सब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक्सपेक्टेड है, अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि अनाउंसमेंट हो, देखते हैं क्या होगा। ये तो आपका डायरेक्ट एंट्री का होगा कि 55% या अदर देन आप 60% करोगे, या फिर अगर आप फाइनल ईयर में आप हो तो आप प्रोविजनल बेसिस पर रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, मैं आपको बताया था कि 8 मंथ का स्टेट गैप होना चाहिए। अब लोग नया बात करते हैं, अगर नई जो प्रपोज स्कीम है उनके अनुसार से क्या होगा कि जैसे आप 8 मंथ, उसमें क्या है ना, एक फर्क है जो पहले नहीं था, अब ये है क्या कि अगर आप तो ग्रेजुएशन कर लियो, 55% एवं मार्क है, आप रजिस्ट्रेशन भी करवा लियो, 8 मंथ स्टडी कोर्स हो गए, तो आप इंटर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, इंटर में बैठ जाओगे। जब आपका दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएगा, ग्रुप 1 भी और ग्रुप 2 भी, तभी आप क्या करोगे, आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो, और आर्टिकलशिप का पीरियड में पहले बताया था, अब 2 ईयर्स हो गया है, 3 साल नहीं है, मतलब जो अभी करंट में बताया था 1 जुलाई 2023, उससे पहले अगर करोगे 3 साल का करना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद करोगे तो 2 साल का करना पड़ेगा, और उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको जब दोनों ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, इंटर का दोनों ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद ही जो है आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो, और आफ्टर कंप्लीटिंग 2 ईयर्स ऑफ आर्टिकलशिप तब आप जो है एलिजिबल हो जाओगे, आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा आईटीओसी का, ट्रेनिंग करने के बाद जो है आप जो है फाइनल में अपीयर हो सकते हो, फाइनल एग्जाम दे सकते हो। ये आपका जो है डायरेक्ट इंट्री रूट से, मैं बताया कि डायरेक्ट इंट्री रूट से है, और अगर आप डायरेक्ट इंट्री रूट नहीं जाओगे तो 12th आपको पास होना चाहिए, और आपका फाउंडेशन का एग्जाम जो है क्लियर करने के बाद ही आप जो है आप मतलब इंटर में एडमिशन कर सकते हो, आईपीएससी में एडमिशन करवा सकते हो, और साथ साथ कंप्लीटिंग ऑफ बोथ ग्रुप तभी आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो, और आर्टिकलशिप 2 ईयर्स करेगा, और आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद ही जो है आप जो है मतलब फाइनल के लिए अपीयर हो सकते हो। तो ये मैं बताया था, कल ही मैं बताया था कि फाउंडेशन का कल मतलब नोटिफिकेशन 19 जून, देखिए 20 जून है, ये 19 जून का नोटिफिकेशन है कि जो आपका जो फाउंडेशन का एग्जाम होने वाला है, जो आपका एक्सपेक्टेड है आपका दिसंबर 2023 में, वो आपका एग्जिस्टिंग स्कीम में ही होने वाला है, और वो स्टूडेंट लिखा हुआ है, वो स्टूडेंट ऑन और बिफोर 1 जुलाई 2023 जो रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, वो आपका एग्जिस्टिंग मतलब एग्जिस्टिंग कोर्स में ही वो एग्जाम देंगे, वही भी लिखा कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर दिसंबर 2023 सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर एडवाइज टू रजिस्टर्ड इन द फाउंडेशन कोर्स ऑन और बिफोर 1 जुलाई 2023, अगर इसके बाद कराओगे तो आपका न्यू स्कीम माना जाएगा, ये इनका जो लैंग्वेज है इससे हमको मालूम चलता है। वैसे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।